नमस्कार, अभी हम नौबतपुर में हैं जहां बागेश्वर सरकार का जो प्रवचन है वो स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होने से पूर्व हम बाबा के भक्तों से आपको मिलवाते हैं कि जब वो यहां आए हैं तो उनका क्या श्रद्धा, क्या विश्वास है और बाबा के बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं। तो आइए उनसे पहले मिलाते हैं, उसके बाद फिर अन्य वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लोग राम नाम का जो जाप है वो चल रहा है और चारों तरफ बाबा की आवाज़ जो है वो माइक पर वो गूंज रही है और अब लोग धीरे धीरे अपने स्थान जो है, जो हाजिन का जो घर है उस वहाँ लोग जाने के लिए। क्या करें, वो अजब हाल है, वो अजब सब बीती है भाई। माने एकदम लकड़ी धैले है घर की तरफ। हम कहूँ हम खोजी थे लोकेशन में है, भीड़ अच्छा है। अब कारण कि लोग दूर दूर से आए हैं तो उनको लौटना भी है, जाना भी पड़ता है। छोटे बच्चों के साथ भी वहाँ से आए हैं, लौटना लाजमी है। और कारण कि पार्किंग जो है यहाँ से दूर है, गाड़ी कोई कोई कई जगह पार्किंग है यहाँ से, वहाँ पर गाड़ी का स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेहतर जगह। और देखिए अपने बच्चों को, लोग बाबा का दर्शन किसी को हुआ है, किसी को नहीं हुआ है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग लौट रहे हैं और जाना लाजमी है। कारण छोटे छोटे बच्चों के साथ वो लोग आए हैं, महिलाओं की संख्या भी खुशी से कम नहीं है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास है लोगों को अभी भी धर्म के प्रति। भेंट नहीं हुआ, भेंट नहीं हुआ। कहाँ से आए आप? सासाराम से आए। अकेले आए हैं कि और भी लोग? ओ, आप फोन भी नहीं लग रहा है, जैमर लगा हुआ है। दर्शन नहीं हुआ? अच्छा, तो आज आप क्या करिएगा? आज आज आपको रहना है, जाइएगा कल? अच्छा, आश्वासन मिला है कि आपका अर्जी हो सुना जाएगा? मन की बात को जो है परिवार का समस्या लेकर के बाबा के पास आप निकल देंगे, टेंशन ना हो, दिक्कत है आप। जब प्रोग्राम मोबाइल है ना उनके पास? उनके पास मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो ऐसे कोई जगह नहीं बता दिए थे कि यहाँ पर आकर के आप मिलिए? नहीं,
देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे, धीरे धीरे लोग लौट भी रहे हैं, कुछ बहुत से लोग आते भी हैं यहाँ दो दिन को इतनी जी बात तो चला ही जाएगा, इसलिए कि अब भीड़ तो छटेगा ही ना, प्रोग्राम के बाद कैमरा भी लगा हुआ है तो फिर फोन वगैरह भी लगने लगेगा। हाँ भीड़ भी है बहुत ज़्यादा जी, और देखिए जितने लोग आ रहे हैं उसे कई गुना लोग आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, और किन्हीं को दर्शन हुआ है, किन्हीं को दर्शन बाकी भी है, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। और ये धर्म का है स्थान है तो कष्ट तो होना ही है, सबका बाल धूल धूसरित हो गया है, पसीना से लोग लथपथ हैं, और जब कारण की बाबा क्या कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है, बिहार में पहाड़ है, बाबा खूब कह रहे हैं पत्ते की तरह, क्या बात। और कहाँ से आप आए हैं? इटा से आए हैं, आप तो लोकल ही हैं, इटा ज़्यादा दूर नहीं है। और बाबा बागेश्वर का जब चरण यहाँ जब आया तो आप उसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? चलिए चलिए चलिए, अच्छा नहीं राजनीतिक दृष्टि से तो कोई मेल ही नहीं खाएगा। हाँ करने वाले राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम लोग यहाँ पर हैं तो अलग अलग पार्टी से बटे हुए, लेकिन जब आस्था की बात होती है तो हम लोग सब पार्टी पर सब हनुमान है, सब राम के भक्त। यही तो कारण है कि सभी लोग बच्चों के साथ आए हैं, तो जो भी महिलाएं हैं या पति है, पत्नी है, बाल है, बच्चा है, सब साथ साथ आए हैं, बस धर्म से, धर्म से जुड़ा हुआ है। राजनीति तो अलग चीज है कि नहीं, वो तो बनते और बिगड़ते रहते हैं उसमें, है ना, आज इस पार्टी का, उस पार्टी का, ये है, उसका कोई महत्व ही नहीं है राजनीति, राम का भक्त सब है जी, जो दूर के आदमी है वो ना। क्या नाम है आपका? कौन चैनल आ रहा है? चैनल का क्या नाम है? चैनल पहले देखिए, उसमें देखिएगा संजीत सिंह टीचर नाम से आएगा। चलो देखा जा, चैनल देख ले, सब जब ऐसा लग रहा है आपको? बहुत भीड़ है ना? हाँ भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, ये धूल जो है यही तो धूल दूषित हो जाना है, और इसी में तो श्रद्धा महात्मा जी का चैनल है। हाँ और अब हम चलते हैं जहाँ पर लोग कलश यात्रा के बाद कलशा के लोग रखे थे, उस जगह को भी दिखला देते हैं।